हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 9 जून और 9 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती है जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स एंड पर्सनैलिटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब क्या है करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स है जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME सेक्टर के लिए बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ डॉलर देगी। ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 30 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़। तो इसका सही जवाब है 50 करोड़ डॉलर। MSME की बात हो रही थी, MSME का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भारत में? उद्योग भवन राजमार्ग दिल्ली में। MSME के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्रालय पी चंद्र को दिया गया है। बात विश्व बैंक की हो रही तो विश्व बैंक के राष्ट्रपति डेविड मालपास हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? तो JM Keynes, जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड है। किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब दिल्ली है। इस योजना के अंतर्गत पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाए जाएंगे 45 वर्ष से अधिक के लिए, ये योजना है। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली की स्थापना 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी और यूनियन टेरेटरी इसे 1956 में बनाया गया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी CM कौन है? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। किसके द्वारा ये स्थापना किया गया था दिल्ली का? तो अनंग तोमर द्वारा। दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब में इंडिया गेट है, अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है। दिल्ली हमारे देश का राजधानी भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कमिटीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्थान है जिसको कि हम लोग ECOSOC के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 54 देश हैं जिसमें कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चाएं होती है और उनसे जुड़े जो भी समस्याएं होती हैं उसके समाधान निकाली जाती है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति ओ जून हैं। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है। तो अभी किस 2022-2024 की अवधि के लिए किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ओशन डे की बात हो रही है तो ऑप्शन ए 6 जून, ऑप्शन बी 7 जून और ऑप्शन सी 8 जून। तो इसका सही जवाब क्या है? 8 जून है। विश्व महासागर दिवस की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहला विश्व महासागर दिवस 1992 में मनाया गया। महासागर पर सभी चर्चाएं हो इसका भी ध्यान रखा जाए इसीलिए इस दिन की शुरुआत की गई। 2021 की वर्ल्ड ओशन डे का थीम था लाइफ एंड लाइवलीहुड। फिर से सुनेंगे, लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये दिन हम सभी को जागरूक करने के लिए बनाया ताकि हम भी इसमें गंदगी, प्लास्टिक, ऑयल स्पाइले, ये सब चीज़ों की ध्यान हम लोग रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड है। साहब अब्दुल्ला कौन है? ऑप्शन ए विदेश मंत्री, ऑप्शन बी कानून मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब है विदेश मंत्री। मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। 76वें सत्र का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। बात संयुक्त राष्ट्र की हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैं। मालदीव्स की राजधानी माले है। भाषा दुहेई इस्तेमाल होती है, दुहेई। धर्म क्या है? सुन्नी इस्लाम है उस देश का। प्रेसिडेंट है वर्तमान में इब्राहिम मोहम्मद सोली। उपराष्ट्रपति फैजल नगलेम। विधानसभा का नाम है मजलिस। 2008 में संविधान बना था और इसकी मुद्रा मालदीवियन रुपया है। चलते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आई फैमिलिया क्या है? ऑप्शन ए डेटाबेस, ऑप्शन बी सरकारी योजना, ऑप्शन सी एक एप्लीकेशन। तो आई फैमिलिया एक ग्लोबल डेटाबेस है
यह ग्लोबल डेटाबेस इंटरपोल द्वारा इसकी बनाई गई है, इसकी शुरुआत की गई है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। इससे खोए हुए भटके हुए लोगों का पता लगाया जा सकेगा डीएनए की मदद से। बात इंटरपुलिस की, इंटरनेशनल पुलिस की हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल 194 सदस्य इंटरनेशनल पुलिस में संगठित है। तो जैसे कि हर देश का अपने अपनी पुलिस डिपार्टमेंट होती है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कई सारे देश मिलकर इंटरनेशनल पुलिस का गठन करते हैं, ताकि जो भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी क्राइम है उन सभी को दूर किया जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सातवां क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। UNCEO वाटर मैंडेट में किसने सदस्यता ली। ऑप्शन ए NTPC लिमिटेड, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका सही जवाब है NTPC लिमिटेड। यह संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसमें सभी सदस्यों को पानी के बचाव के बारे में सोचना होगा। बात NTPC की हो रही, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ऑनर कौन है, मालिक कौन है, तो भारत सरकार। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, गैस एक्सप्लोरेशन करना, यह सब इसके काम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा नेशनल न्यूज रिलेटेड है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो अभी हाल ही में असम सरकार ने असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना जंगल को नेशनल पार्क का दर्जा दिया, और यह असम का छठवां नेशनल पार्क बना है। यह असम का छठवां नेशनल पार्क बना है। पांच और कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पांच और है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरांग और दिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क। इससे गोल्डन लंगूर, एशियाटिक एलिफेंट और बंगाल टाइगर को संरक्षित भी किया जा सकेगा। बात असम की हो रही, तो असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, और असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड किसे मिला है। ऑप्शन ए वाटर ब्यूरियल, ऑप्शन बी स्पाइरल, ऑप्शन सी द वाटर मैन। इसका सही जवाब है वाटर ब्यूरियल। यह अरुणाचल प्रदेश की एक शॉर्ट मूवी है। इसके निर्देशक शांतनु सेन है। यह एक आसामीज नॉवेल पर लिखा गया है, जिसका नाम है साबो कटो मानु। आसाम के प्रथाओं के बारे में यह चीज़ें बताती हैं। आसाम की बात हो रही, तो आसाम के गवर्नर है जगदीश मुखी, आसाम का राजधानी दिसपुर और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। चलते हैं कुछ और जानकारी जान लेते हैं, कुछ नियुक्तियों के बारे में जानते हैं और अन्य इंपॉर्टेंट खबरें के बारे में जान लेते हैं। संजीव सहाय अभी नामित किए गए हैं। तो कौन है ये, न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेटर, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का। दूसरा हितेंद्र दावे कौन है, तो इन्हें अभी CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया HSBC बैंक का। और एक लास्ट क्या है हमारा सेंटेंस, RBI इम्पोज 6 करोड़ पेनल्टी ऑन PNB एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी RBI ने हाल ही में 4 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक पे और 2 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया पर पेनल्टी मारी है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ी सी मदद हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की अपडेट्स के लिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, उनके पोर्शन कंप्लीट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।